हेलो फ्रेंड, हम आपके सामने में एक ऑटो स्विच का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे जो ऑटो स्विच देख रहा है, ए सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर विथ ऑटो स्विच प्लस टाइम ऑन और डिले। यहाँ क्या इसका मकसद क्या लिखा है फ्रेंड? एक यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसके फीचर्स में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो पहले कंपनी के साथ परिचय कर देते आपको। कंपनी का नाम है आर्यन इलेक्ट्रॉनिक्स, जो यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल, और इन्हें कॉन्टैक्ट नंबर दे, ईमेल दिया है, सब कुछ दिया हुआ है। ये 24/7 में उतर रहते हैं। चलिए इसको खोल लेते हैं। मॉडल नंबर दिया है 7812, और एमआरपी रेट भी दिया है। वोल्टेज 140 से 440 वोल्ट एसी। चलिए इसका अनबॉक्सिंग कर लेता है। इसके पहले देखिए, खुलने के बाद ये रहा है इसका मॉडल, और इसका मॉडल के साथ रहता है यहाँ पे एक यहाँ पे इसका वारंटी का कार्ड लगा हुआ है, और ये है देखना मॉडल इस तरफ है। ठीक है, एक ग्रीन लाइट, एक पावर लाइट। ठीक है, ये जो लाइट देख रहा है, ये यहाँ पे जो लाइट लाइट होगा, इसके मूल फीचर से काम है। ठीक है, और ये जो सिंगल फेजिंग फ्रंट, ये काम होता है मोनली 3 फेज लाइन पे। ठीक है, तो आपको दिखा देता हूँ मैंने। यहाँ पे देखिए जो काम किया जाता है, ये जो लिखा हुआ है रेड येलो ब्लूटूथ सप्लाई, फ्रेंड आपको सही से लगाना पड़ेगा। जो रेड वायर है वो रेड में, जो येलो है येलो, और जो ब्लू में हो तो ब्लू। तो फ्रेंड जब लगाया जाएगा तो आपको 30 सेकंड तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद वो यहाँ पे ग्रीन लाइट दिखाएगा, ग्रीन या रेड जो भी हो। ठीक है, इस लाइट दिखाएगा। पावर लाइन हर तरह, पावर लाइन के बाद भी ये लाइन जलेगा। ठीक है, जब ग्रीन लाइट जलेगा उसका मतलब एक कनेक्शन सही है, जब नहीं जलेगा तो आपको अल्टरनेट करना पड़ेगा रेड और येलो इस दोनों वायर को। ठीक है, कई कई बार तीनों वायर के भी अल्टरनेट करना पड़ेगा। तो मूल्य रेड और येलो इस दोनों के अल्टरनेट करने से आपको सिग्नल आ जाएगा। जब सिग्नल आ जाएगा उसके बाद आता है इसका कनेक्शन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे देखा और लिखा हुआ है देखिए NRV S1 S2, इसका मतलब है एक्रॉस ऑन पुश बटन। ऑन जो पुश बटन होता है, यहाँ पे एक्रॉस लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, कनेक्शन के बारे में एक दूसरा वीडियो आपको बताऊंगा मैंने। और इसको जो मूल काम होता है इसके बारे में आपको अब बताऊंगा। इसका काम होता है क्या? काम सिंगल फेज, मतलब जब 3 फेज लाइन आता है मेरा 3 फेज मोटर में। ठीक है, तो 3 फेज मोटर में क्या होते है? तो मान लीजिए किसी लाइन किसी कारण के बिना वो चला जा रहा है और आउट हो गया, लेकिन उस दोनों में लाइन है, इसके क्या होता है, यह सिंगल फेजिंग किया जाता है। तीन 3 फेज लाइन में तीनों लाइन होना ये ज़रूरी बात है। ठीक है, जब एक लाइन नहीं होगा तो उसमें किया जाता है सिंगल फेजिंग। इस प्रॉब्लम में क्या होता है, ये जो डिवाइस है मोटर के ऑफ करता है, ऑफ कर देता है। ठीक है, सिंगल फेजिंग के कारण। मान लीजिए मेरे यहाँ पे रेड येलो ब्लू, येलो में कारण किसी कारण से वो चला गया, मान लीजिए फ्यूज उड़ गया। ठीक है, फ्यूज कट गया या कोई भी प्रॉब्लम हो गया, लेकिन ब्लू और रेड में लाइन है, इसी इसी प्रॉब्लम में क्या करेगा, ये मोटर के इमीडिएट ऑफ कर देगा, क्योंकि सिंगल फेजिंग पोजिशन में मोटर चलेगा तो मोटर आपको ख़राब हो सकता है, मोटर जल जाएगा, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये 3 फेज लाइन के घूमने का चीज़ है, तो सिंगल फेज में नहीं घूमेगा। ठीक है, इसको कह जाता है सिंगल फेजिंग प्रॉब्लम। और ऑटो स्विच के मतलब ऑटो, ये क्या होता है, मैनुअल और ऑटो। आप जब मैनुअल पोर्शन में रखेगा तो स्टार्टर में मैनुअली जब ऑफ ऑन किया जाता है उस तरफ काम होगा, जो ऑटो मोड में देगा तो उसमें क्या होता है, करंट आने से 30 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिकली मोटर स्टार्ट हो जाएगा, आपका समरसोल स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड जब ऑटो मोड स्टार्ट होता है तो तब क्या होता है,
आपका मोटर ऑन करके ऑटो मोड पे दे के कहीं चला जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ही काम होगा। जब फेज आउट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जब तीनों लाइन सही से आ जाएगा तो ऑटोमेटिक 30 सेकंड बाद मोटर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके और कुछ नहीं है खास बात, यही है। और ऊपर की तरफ रहता है इसका कनेक्शन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा कनेक्शन दे रखा है। देखिए यहाँ पे जो कनेक्शन दिया है ये मोटर के इसी पर आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखा है रेड येलो ब्लू, देखिए ये सप्लाई में दे दिया। और जो देख रहे हैं ये है स्टॉप और ऑन, दोनों स्टार्ट स्विच के दोनों पिन में लगा हुआ है। और ग्रे कलर का जो है ये वोल्ट कॉइल के लगा हुआ है। और स्टार्टर के साथ जो आ रहा है कॉइल, वोल्ट कॉइल के लाइन और रिमूव करना पड़ेगा, और प्रिवेंटर के वायर को लगाना पड़ेगा उसी जगह पे। ध्यान के देखिए जहाँ पे जिस वायर के क्रॉस चिन्ह लगा हुआ है उसको रिमूव करना पड़ेगा आपको। ठीक है फ्रेंड, कनेक्शन के बारे में एक आपको अलग वीडियो बनाऊंगा। तो यही था आज के छोटा सा एक वीडियो। प्लीज़ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब की, और इसके बारे में कोई सवाल है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो फ्रेंड। थैंक यू।